वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लास्ट सीरीज में इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इसी सीरीज में नया टॉपिक लेंगे जो कि हमारा टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन। जैसा कि हम जानते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम की बेसिक हमारी यूनिट होती है वो है स्कूल, और स्कूल मैनेजमेंट की जो बेसिक यूनिट है वो क्लास है, क्योंकि जैसे कोठारी कमीशन ने भी कहा है कि हमारे देश के भविष्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में हो रहा है। तो जो क्लास में क्या बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, एजुकेशन के द्वारा ही जो इंडियन कल्चर है उसकी सुरक्षा के साथ साथ भविष्य के विकास का भी प्रयास किया जाता है। तो जो हमारा एजुकेशन जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इस तरह का प्रभावी मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि बच्चों को जीवन जीने की तैयारी करा सके, और ये सब किसके कैसे होगा, शिक्षा के द्वारा ही ये सब संभव होगा। और जो समाज में वो बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार अपनी जगह ले सके, और क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो इसलिए जो हमारा स्कूल का मैनेजमेंट है वो इस तरह से हो कि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एबिलिटीज़ को डेवलप किया जा सके। तो अब जानते हैं कि ये स्कूल मैनेजमेंट क्या है। जैसे कि हम जो हम साधारण बोलचाल की भाषा में स्कूल मैनेजमेंट को और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन यदि हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जो विद्यालय की व्यवस्था है उस वहाँ जो अनुशासन है, जो टाइम टेबल चलता है, टीचर्स को जो डायरेक्शन दी जाती हैं, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पत्रों को उत्तर देना, स्कूल के रिकॉर्ड जो हैं उनका ठीक रख रखाव करना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनका संबंध हम विद्यालय प्रबंधन या प्रशासन से मानते हैं। लेकिन इन दोनों ही जो प्रोसेस है इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जो प्रशासन है वो एक हमारा ब्रॉड एक्टिविटी है, और जो मैनेजमेंट है वो प्रशासन के अंदर आ जाता है, मतलब प्रशासन बड़ा है और प्रबंधन इसके अंदर आने वाला है, एक सीमित कार्य है। अब देखते हैं कि ये जो स्कूल मैनेजमेंट है वो है क्या। जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि स्कूल को चलाने के लिए जो टीचर्स हैं, ऑब्जर्वर हैं, स्टूडेंट हैं, और वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो काम करते हैं उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए वो काम करते हैं। तो जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक अंग है उसका, और स्कूल जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है एक और तो इसमें वो एक्टिविटीज़ शामिल की जाती हैं जिनका कि संबंध स्कूल मैनेजमेंट से होता है, और दूसरी तरफ उसका संबंध जो दीर्घकालीन शिक्षा नीतियाँ होती हैं उन नीतियों के लिए शिक्षा के प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज के जो सारे विभिन्न वर्ग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उन सभी का जो है कोऑर्डिनेशन पाना बहुत ज़रूरी है। जो तभी यदि ये सब कोऑपरेट करेंगे, अपना सहयोग देंगे, तभी जो है वो स्कूल एक प्रॉपर वे में काम कर पाएगा। और जो बच्चों में हम मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वो डेवलप कर पाएगा। जो हमारा प्रशासन है वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कि जो नीति निर्धारण है उसके लिए, और जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए जो फिजिकल और मैनुअल जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो नियोजन है, व्यवस्थापन है, क्रियान्वयन है, समायोजन है और मूल्यांकन है, उस सुधार की सुनियोजित व्यवस्था होता है। तो जो प्रशासन है प्रशासन के अंदर ही प्रबंधन को शामिल किया जाता है। तो जो हमारा प्रबंधन है ये प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन भी होता है, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता होनी चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता भी होनी चाहिए, और शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति जिससे कि सफलतापूर्वक हो सके। इस ये जो हमने बताया भी इसको हम एक प्रभावशाली स्कूल मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि जो स्कूल का प्रबंधन होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब समय, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, और इसीलिए इसमें लचीलापन होना चाहिए, और यह उस प्रबंधक की गतिशीलता पर निर्भर होगा।
कि वो जो वहाँ पे जो स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो जो भी वहाँ पर काम करने वाले हैं, कि उनको कितनी वो फ्रीडम दे रहा है काम करने के लिए। और सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सभी से एक दूसरे की राय ली जानी चाहिए, जिससे कि उसी के अकॉर्डिंग ही हम डेवलपमेंट कर सकें। जो हमारा प्रबंधन है उसमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, तभी वो उपयोगी होगा। और जो हमारा प्रबंधन है वो समाज, राष्ट्र और राजनीति के दर्शन के अनुसार होना चाहिए, जिस क्योंकि जो शिक्षा है वही एक नए समाज की स्थापना करती है। और स्थापना जिससे और से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो हमारा जिस तरह का राष्ट्र है, हमारी राजनीति है, उसी दर्शन के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था हो। तो ये तो हमारा हो गया शिक्षा प्रबंधन का अर्थ और उसकी विशेषताएं। इसके बाद देखते हैं कि ये जो विद्यालय प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट है, इसकी आवश्यकता क्या है, कि हमें इस प्रॉपर मैनेज करने के लिए क्यों आवश्यकता होती है। जैसा कि हम मैनेजमेंट से ही लगाते हैं, मैनेज, किसी भी काम को मैनेज करना। जब तक हम कोई काम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ही यदि हमारे विद्यालय में पूरी तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक हम जो शिक्षा का डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और ना ही समाज में सामाजिक विकास होगा, राष्ट्रीय विकास नहीं हो पाएगा, व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय को ही समाज का लघु रूप भी कहा गया है। इसी से ही बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट में क्या, शारीरिक विकास भी होता है उनका, बौद्धिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी, सांस्कृतिक विकास भी। तो ये सब डेवलपमेंट होना विद्यालय प्रबंधन के अभाव में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यदि हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होगा, तभी हम वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम को व्यवस्था कर पाएंगे, तभी हम वहाँ के जो करिकुलम, डिसाइड करिकुलम है, उस करिकुलम को बच्चों तक पहुँचा पाएंगे। और हम कोई भी काम बिना मैनेजमेंट के, बिना मैनेज किए उस काम को हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो एजुकेशन है उसमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में और उनके जो प्रोसेस है उसमें समायोजन स्थापित करने के लिए भी विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो शिक्षा के हमारे रिसोर्सेज हैं और उनके बीच में जो प्रोसेस है, जैसे कि बच्चों को हम तभी एजुकेशन दे पाएंगे जब हमारे पास उनका पूरा टाइम टेबल होगा। बिना टाइम टेबल के हम उसको बच्चों को वो व्यवस्थित रूप में एजुकेशन नहीं दे सकते। टाइम टेबल होगा तो बच्चों को भी पता होगा कि उनका किस सब्जेक्ट का पीरियड है, उसके सब्जेक्ट में कौन सी टीचर आने वाली है, और इस तरह से टीचर को भी पता होगा मुझे किस समय कौन सी क्लास में जाना है और किस क्या मेरा को किस कंटेंट को उसमें कंटेंट डिलीवर करना है। तो ये सब जो है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है। और इसमें स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो, उन बच्चों का जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है वो, डिसिप्लिन, खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, और वहाँ का जो रिजल्ट है, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं या कुछ और भी पार्टिसिपेशन है किसी भी तरह का, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यदि सक्सेस मिलती है, और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन, पेरेंट्स का जो भी है कि बच्चों की हर एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट होना, और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो भावी जीवन में कितना सफल हैं, सुख समृद्धि हैं, ये केवल एक उत्तम प्रबंधन के ही परिचायक हैं। हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम एक स्कूल के बारे में, जब हम देखते हैं कि उस स्कूल के बच्चे जो है कितना कितना परसेंटेज आ रहा है उनका, बच्चों का, या फिर उनका कितना डेवलपमेंट हो पा रहा है, कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या उनका मॉरल डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह से प्रबंध विद्यालय जो स्कूल मैनेजमेंट है, इस स्कूल मैनेजमेंट की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि एक स्कूल मैनेजमेंट में बच्चों को, स्कूल मैनेजमेंट ही पर ही डिपेंड करता है कि अपने स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ वो करा रहे हैं, बच्चों का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो यदि वो डेवलपमेंट हमारा पॉजिटिवली जा रहा है, सकारात्मक रूप में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल जो है ग्रो कर रहा है। तो यदि स्कूल ग्रो कर रहा है तो स्कूल को खुद अपने आप को ग्रो करने के लिए भी, अपने आप में भी डेवलपमेंट लाने के लिए भी स्कूल मैनेजमेंट की जो है, स्कूल मैनेजमेंट की अपने आप में आवश्यकता है, जिससे कि इसका महत्व बढ़ जाता है।
अब इस समय हमारे जो करिकुलम है उसमें नए नए सब्जेक्ट को भी शामिल किया जा रहा है, न्यू टीचिंग मेथड्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, और जिससे कि सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इससे क्या होता है कि अब उसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चे को 9th 10th के बाद कौन सब्जेक्ट लेना है, इसके लिए बुद्धि परीक्षाओं का, योग्यता परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि स्कूल की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब स्कूल किसी भी काम की जिम्मेदारी बढ़ती है तो उसका मैनेजमेंट का महत्व अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। आज जो है भिन्न भिन्न सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वाले बच्चों को शिक्षा देनी होती है, उन्हें उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना है और उन्हें विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास करिकुलम हैं, करिकुलम की सुविधा के साथ साथ उनको एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस भी देना है, जिससे कि वो जाकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। इसीलिए प्रबंधन जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि हम भावी नागरिकों का समुचित विकास कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा महत्व। अब जान लेते हैं कि इसका फॉर्म क्या है, स्वरूप क्या है। तो अब ये देखते हैं कि जो मैं अभी जब स्टार्टिंग में इसका मीनिंग डिस्कस हुआ था तभी बताया गया था कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो कठोर या हो या लचीला हो, तो अभी हमने बताया था कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसमें कि हम आवश्यकता अनुसार चेंज को ला सकें। तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि उसमें लचीलापन हो जिससे सभी कार्यकर्ता, जो भी काम करने वाले स्टाफ हैं, टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, सभी को अपनी अपनी बात कहने का राइट होना चाहिए, जिससे कि यदि हमारी सबसे बातचीत है टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों में ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो समस्याओं का समाधान आराम से इजीली हो सकता है। तो इसी तरह से ही जो हमारा विद्यालय प्रबंधन है उसमें लचीलेपन का यही मतलब है कि वहाँ का प्रशासन का जो मानक है वो ठीक है, होने चाहिए, लेकिन उन्हें यदि उनकी नियमावली जो है उसका संचालन किया जाए और लचीलेपन और मानकों में जो भी है एक तरह का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसे कहा भी गया है, ऑर्गेनाइजेशन देयर फॉर लाइक फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो इस तरह से जो हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो नई नई हमारी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षण पद्धतियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी का जो है कोऑर्डिनेशन, सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और प्रबंधन की कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भी जो हेड है, प्रिंसिपल है, उसे टीचर्स और स्टूडेंट्स से विचार विमर्श करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए कि बच्चे किसी भी बात को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। और इस तरह से ही स्कूल के प्रबंधन में टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी राय लेना बहुत ज़रूरी है, और विचारों के बदलते रहने के साथ व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन होता रहता है। हम समाज हमारा परिवर्तनशील समाज है, तो जब समाज विचार बदलते रहते हैं उसी के अनुसार ही कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। हमारे विचार और आदर्श परिवर्तनशील हैं और उसकी प्राप्ति की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यह व्यवस्था भी उन्हीं परिवर्तन के ही अनुकूल होनी होती है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि विद्यालय प्रबंधन क्या है और इसका क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या स्वरूप है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र और इसके उद्देश्य। अब आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच।